हेलो दोस्तों, ये निसान सानी 2008 मॉडल है। इसका जो थ्रोटल बॉडी है ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये देख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसका मसला है कि ये मसला था कि ये रेस नहीं ले रहा था, तो इसमें जो एक कोड आ रहा था मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कभी भी अगर ये कोड आए तो आपको क्या चेक करना चाहिए, इसका आइडल काम नहीं कर रहा था। तो ये इसका कोड आ रहा था, मैंने स्कैन किया, P1122 ETC फंक्शन सर्किट, P1126 ETC पावर, ट्रांसमिट फंक्शन, ऐसा कुछ लिखा है, थर्मोस्टेट फंक्शन, ETC मोटर। तो कभी भी ये कोड आएगा तो आपको क्या चेक करना है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो कभी भी ये कोट आएगा P1122 P1126, तो आपने क्या चेक करना है गाड़ी के अंदर। ये थ्रोटल मोटर है, इस कोड का मतलब है कि इसको पावर नहीं मिल रहा है। ये पिन नंबर वन है ये, और ये जो है पिन नंबर 4, ये मोटर के वायरिंग है। बाकी जो वायरिंग है वो टीपी सेंसर थ्रोटल पोजीशन सेंसर के वायरिंग है, और ये मोटर के हैं। ये मोटर लगा हुआ है यहाँ पे। तो फिर गाड़ी की तरफ चलते हैं। ये कस्टमर ने ये 2-3 बार थ्रोटल चेंज किया लेकिन गाड़ी में कोई फर्क नहीं आया। तो जब ये कोड आएगा तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये निसान सानी है, थ्रोटल रिले चेक करना है, और ETC का फ्यूज़ और ETC का रिले चेक करना है। ETC फ्यूज़, ETC रिले, सनी का मैं आप लोगों को बताता हूँ, और बाकी गाड़ी का अलग अलग लोकेशन हो सकता है निसान पेट्रोल का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ के ऊपर ये फ्यूज़ बॉक्स है पैसेंजर साइड इंजन की तरफ, ये देखो ये फ्यूज़ बॉक्स है, यहाँ पे लिखा है मोटर, ये मोटर, ये रिले है, ये वाला रिले, तो ये थ्रोटल का रिले है। कभी भी ये कोड आएगा P1126 थ्रोटल का जो मोटर का कोड है, तो आपने सबसे पहले ये रिले को चेक करना है। उसके बाद ये यहाँ पे लिखा है मोटर, किसी किसी गाड़ी में ETC फंक्शन लिखा होता है, ETC रिले या ETC फ्यूज़, तो ये है रिले। उसके बाद आपने क्या चेक करना है, फ्यूज़, ये है फ्यूज़, यहाँ के ऊपर फ्यूज़ लगा है, ETC मोटर फ्यूज़। बहुत सी गाड़ियों में आता है कि ये देखो मोटर फ्यूज़, तो बहुत सी गाड़ियों में यहाँ ETC फ्यूज़ लिखा होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल कंट्रोल, और यहाँ पे सिर्फ मोटर लिखा है, तो या तो ये फ्यूज़ का प्रॉब्लम हो सकता है और या रिले का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा थ्रोटल का प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन थ्रोटल उसके बाद अगर फिर भी गाड़ी सही नहीं होता है, ये मेरे साथ तो ये रिले में प्रॉब्लम था, ये रिले को चेंज किया, गाड़ी बिल्कुल सही हो गया। लेकिन अगर थ्रोटल का आपको शक पड़ता है तो थ्रोटल को चेक करने का तरीका भी बताता हूँ। गाइस, निसान अर्टिगा, निसान सनी, इसमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, और थ्रोटल का फंक्शन बिल्कुल सेम है।
सिर्फ इसका जो साइज़ है इसमें फ़र्क आता है, बाकी इधर सिस्टम बिल्कुल सेम है सब निशान गाड़ियों का। तो पिन नंबर 1 और ये पिन नंबर 1 यहाँ पे और पिन नंबर 4। अभी कस्टमर ने 1-2 थ्रोटल चेंज किया था लेकिन मसला रिले के अंदर निकल आया। तो अपने पिन नंबर 1 और पिन नंबर 4 के ऊपर पिन लगाना है और बैटरी से चेक करना है। अभी मैं आप लोगों के साथ चेक करता हूँ, वीडियो देखिए। तो ये है बैटरी, ये है थ्रोटल, ये बैटरी है। आओ हेल्प करो, पकड़ो पकड़ो, ये कॉइल को नेगेटिव पे लगा के देखिए अभी क्या होता है। ये एक नेगेटिव पे लगा है, एक पॉजिटिव पे, इसका मतलब है थ्रोटल बिल्कुल सही काम कर रहा है उधर। तो आप ये कोड जब आएगा तो आप सबसे पहले थ्रोटल भी चेक कर सकते हैं। ये देखो, तो ये सब निशान गाड़ियों में आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा कोड है थ्रोटल के बारे में तो फिर आप उसको उसी डाटा के हिसाब से चेक कर सकते हो। जैसे पेडल सेंसर हो गया तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। और ये इसके अंदर जो सेंसर लगे हैं टीपी सेंसर, 2 सेंसर लगे हैं, इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। तो निशान सानी का सिर्फ ये प्रॉब्लम आया था, मैंने इसका हाल निकाला तो इसका यही फॉल्ट आता है, दूसरा कुछ फॉल्ट नहीं आता है।